दोस्तों सामने है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का गेट नंबर 1 और इसी के कुछ ही मीटर की दूरी पर गेट नंबर 2 है। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नज़ारे, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह स्टेशन चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थित है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जंक्शन का नज़ारा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और हाल ही के कुछ वर्ष पहले ही इसका बदलाव किया गया है, जैसा कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन लगभग 8 प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है DDU और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 84 मीटर। और दोस्तों आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम इससे पहले मुगल सराय जंक्शन था। यह जंक्शन बहुत ही पुराना है और इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा सन 1862 में किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि यह स्टेशन सबसे व्यस्त एवं प्रमुख स्टेशनों में से गिना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों यह आप देख रहे होंगे, यह है स्टेशन के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर बगल में ही टिकट काउंटर है और यात्रियों के बैठने के लिए वेटिंग हॉल भी बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।